गुड स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिफोर इट्स आई हैव टॉट यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीरियल नंबर 7, 8। यू कैन सी इन माय वीडियो सीरियल नंबर 7 and 8। दैट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट टूडे आई विल टीच यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन इन सीरियल नंबर 9। ओके स्टूडेंट, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एट डी एक्स अपॉन 1 माइनस एस क्यूब 1/3। ओके स्टूडेंट, हियर सॉल्यूशन फॉर दिस एक्स पावर 8 डी एक्स अपॉन 1 माइनस एस क्यूब होल पावर 1/3। We can write it in this form: x to the power 3 whole power 2 and x power 2 dx upon 1 minus x cube whole power 1/3. Okay, student. In this case, we want to its convert into dt. Here x 1, let 1 minus x cube equal to t, and it's also write x cube or x cube equal to 1 minus t, also write in this form. Okay, then here phi we make it in this form because we put in this s cube equal to 1 minus t, and differentiating of its both sides we get x squared dx because it's convert into dt. Therefore, make it's in this form. Okay, then, and let 1 minus x cube equal to dt. Differentiating both sides, it's with respect to dx. 1 minus x cube equal to d upon dx of t. Differentiating it's d upon dx of 1 is a constant. Therefore, the value of d upon dx 1 is equal to 0. Here we get 0, and here we get 3x square, and differentiating coefficient of x with respect to dx. Dx upon dx is equal to 1. Here dt upon dx. Okay. We write here minus 3x square dx is equal to, here multiply in this case dx equal to dt, and we write here x square dx is equal to minus 1/3 dt. Okay, student, here x square dx we get minus 1/3 dt, and x cube is equal to 1 minus t because we convert its in t form. Okay, here therefore we write x cube means 1 minus t whole square upon
वन माइनस एस क्यूब टी पावर वन बाई थ्री ओके स्टूडेंट एंड हियर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑन दिस प्लेस वी राइट माइनस वन बाई थ्री डी टी देन वी राइट इट्स माइनस वन बाई थ्री ऑफ वन माइनस टी पावर टू अपॉन टी पावर वन बाई थ्री डी टी ओके स्टूडेंट हियर एक्सपैंड इट्स वन माइनस टी स्क्वायर ए माइनस बी ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ऑन दिस बेसिस वी एक्सपैंड इट्स हियर राइट माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री एक्सपैंड इट्स वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी अपॉन टी पावर वन बाई टी टू द पावर वन बाई थ्री डी टी ओके स्टूडेंट एंड हियर वी राइट वन बाई थ्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी पावर वन बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी पावर वन बाई थ्री माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी पावर वन बाई थ्री डी टी ओके स्टूडेंट एंड इट्स राइट इन दिस फॉर्म माइनस वन बाई थ्री राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर वन बाई थ्री डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी पावर माइनस वन बाई थ्री डिनोमिनेटर कन्वर्ट इंटू न्यूमरेटर देन साइन चेंज बाई एक्सपोनेंट मेथड ओके डी टी माइनस टू टी पावर माइनस वन बाई थ्री डी टी ओके स्टूडेंट एंड हियर माइनस वन बाई थ्री हियर टी पावर टू बाई थ्री ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन वी गेट माइनस वन बाई थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन प्लस थ्री बाई थ्री टू बाई थ्री एंड हियर टी टू पावर थ्री वी गेट हियर इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर थ्री टू प्लस माइनस वन बाई थ्री थ्री टू जा सिक्स सिक्स माइनस वन वी गेट फाइव बाई थ्री अपॉन फाइव बाई थ्री डी टी माइनस टू टी इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू टी मल्टीप्लीकेशन बेस सेम देन पावर एड देन वी गेट टी पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस वन प्लस वन वी गेट थ्री माइनस वन टू बाई थ्री हियर माइनस वन बाई थ्री प्लस वन माइनस वन प्लस टू बाई थ्री
थ्री माइनस वन टू बाई थ्री. ओके हियर दिस इज रॉन्ग बिकॉज ओनली एड टेक पावर टू बेस सेम देन बाय एक्सपोनेंट मेथड पावर एड टू प्लस माइनस वन बाय थ्री थ्री टू सिक्स माइनस फाइव बाय थ्री. ओके एंड हियर टेक पावर टू बाय थ्री डी टी. ओके स्टूडेंट हियर माइनस वन बाय थ्री इट्स डिफरेंस इंटीग्रेशन इज कंप्लीट हियर बिकॉज नॉट मल्टीप्लाई एनी देयरफॉर इट इज फ्री टी पावर माइनस वन बाय थ्री प्लस वन वन माइनस वन बाय थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन टू माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री टी पावर टू बाय थ्री अपॉन टू बाय थ्री प्लस टी पावर फाइव बाय थ्री प्लस वन वी गेट टी पावर एट फाइव प्लस थ्री एट बाय थ्री अपॉन एट बाई थ्री. ओके स्टूडेंट एंड हियर टू बाई थ्री प्लस वन वी गेट टी फाइव टू बाई थ्री प्लस वन फाइव वी गेट फाइव बाई थ्री अपॉन हियर फाइव बाई थ्री. ओके एंड इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट C at. Okay, student. Here multiply its multiply its is equal to माइनस वन बाय थ्री मल्टीप्लाई इन ऑल वी गेट हियर टी टू पावर टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री देन वी गेट हियर माइनस टू बाय थ्री अपॉन हियर थ्री इंटू टू थ्री कैंसिल थ्री एंड हियर थ्री कैंसिल थ्री ऑल कैंसिल बाय थ्री ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन एंड साइन चेंज हियर वी गेट टी पावर टू बाय थ्री माइनस टी टू पावर एट बाय थ्री अपॉन एट माइनस टू अपॉन फाइव टी टू पावर फाइव बाय टू. ओके स्टूडेंट एंड इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी एट हियर वी गेट माइनस वन बाय टू टी टी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब टी इज इक्वल टू बिफोर इट्स आई लेट वन माइनस टी स्क्वायर वन माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी हियर वन माइनस एक्स क्यूब होल पावर टू बाई थ्री माइनस वन अपॉन एट वन माइनस एक्स क्यूब होल पावर एट बाई थ्री. ओके स्टूडेंट एंड हियर टू अपॉन फाइव टू वन माइनस एक्स क्यूब अपॉन फाइव बाई टू एंड एड एंड हियर एड ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी. ओके स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट
these types of questions you can solve. This is very important question, which is answer. Okay, then after this, I give you a next question, which is very important. Which is very important. Answer. Find the integration of question 2. Find the integration of dx upon x plus root x, which is very important. Okay, here solution for this dx upon x plus root x, and it's right in this form dx upon integration of dx upon root x common, here we write root x plus 1, here root x into root x is equal to x, we can write here and multiply in this, then we get this form. Okay, then we can write it in this form. Okay, then on this basis. Okay, here let root x plus 1 is equal to t, differentiating both sides. We get here right x power 1 by 2 in exponent form plus 1 is equal to t, differentiating both sides with respect to differentiating coefficient with respect to x, both sides, then we get d upon dx x to the power 2 plus 1 is equal to d upon dx of t. Okay, then here we get 1 by 2 x to the power minus 1 by 2 plus 0 d upon dx 1 0 d t upon dx. Here we write 1 upon 2 root x, can write, and we get dt upon dx. Okay, student, here we write dx upon root x is equal to 2 dt. Okay, student, dx upon root x, we write 2 dt, because we convert it in dt form, t form, because suppose t, then all are convert into dt, not dx. Thus dx upon root x is equal to 2 dt. Okay, student, here we write dt 2 dt upon t. Okay, here we write 2 dt upon t. Okay, here we write here 1 upon t dt. 1 upon t, integration of 1 upon t, log t. 2 log t and add a integrative constant c. Okay, here 2 log t, t means here t root x plus 1, root x plus 1 plus c. Okay, student, which is answer. Therefore root dx upon
x प्लस रूट x इक्वल टू 2 log रूट x प्लस 1 पी विच इज आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल टीच यू टुमारो। ओके स्टूडेंट, थैंक ऑल ऑफ यू।